सो हेलो मेरे फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक सलवार सूट का दुपट्टा कैसे आप रेडी कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सलवार सूट का एक फ्रंट एंड बैक एंड स्लीव कैसे बनाया था, उसके रिगार्डिंग मैंने पूरा वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाया कि कैसे आप एक सलवार सूट का फ्रंट बना सकते हैं, उसमें कैसे फ्लावर प्लेसमेंट करेंगे, उसमें कैसे आप एक दामन यूज करेंगे, कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अलग अलग फ्लावर को प्लेसमेंट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड टेक्सचर यूज करेंगे, तो डिटेल में आप लोगों को कवर करने की कोशिश किया। उसमें बैक का पोर्शन कैसे बनाया जाता है उसमें भी आपको बताने की कोशिश किया, उसमें स्लीव कैसे बना सकते हैं और उसमें भी अलग अलग मेजरमेंट है वो भी अलग अलग टाइप का मैंने आपको बताने की कोशिश किया, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप लोगों को देने की कोशिश किया सलवार सूट का डिजाइनिंग के बारे में। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप जरूर देख लीजिए ऊपर आई बटन में क्लिक करके। एंड उसके साथ साथ हमने इस वीडियो में आपको एक उसी सलवार सूट का एक दुपट्टा बना के मैं आपको दिखाऊंगा, एंड सिर्फ वो पर्टिकुलरली वही दुपट्टा नहीं गाइस, इस वीडियो में आपको पूरा कवर अप करने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक दुपट्टे का डिजाइन बनाए थे, कैसे एक दुपट्टे का बॉर्डर कंसेप्ट को आप डेवलप कर सकते हैं, बॉर्डर को आप अच्छे से दे सकते हैं, उसमें फ्लावर को आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में कैसे प्लेस कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कैसे आप दुपट्टे बना सकते हैं, क्या क्या जरूरत होता है एक दुपट्टे बनाने के लिए, एक दुपट्टा बनाने का क्या क्या फंडामेंटल होता है, उसमें कैसे आप स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, कैसे उसमें अलग अलग फ्रेमवर्क यूज करके अलग अलग टाइप का डिफरेंट डिफरेंट दुपट्टा हम बहुत ईजिली बना पाएंगे, वो सारा चीज मैं आप लोगों को डिटेल में कवर अप करने की कोशिश करूंगा। तो पूरा वीडियो का पूरा देखिएगा एकदम शुरुआत से लेकर एंड तक, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो बिकॉज गाइस मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। हर एक वीडियो में आप लोगों को यही चाहता हूं कि जो बिगिनर है, जो फ्रेशर है, जो स्टार्टर है, जो शुरुआत कर रहे हैं डिजिटल एंड टेक्सटाइल डिजाइनिंग फील्ड में, उनको भी बहुत सारा हेल्प मिले एंड जो ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में है उनको भी काफी कुछ नया सीखने को मिले। तो वीडियो को मैं थोड़ा सा लंबा इसीलिए करता हूं कि ताकि मैं आप लोगों को डिटेल में समझा पाऊं, अदरवाइज मैं जस्ट स्पीड वर्क करके भी दिखा सकता हूं, या तो आपको जस्ट मेन चीज आपको जस्ट एक दुपट्टा बनाने के लिए, जो मुझे एक दुपट्टा बनाने के लिए मैक्सिमम 15 मिनट या तो आधा घंटा लगेगा, बट मैं अगर वही दुपट्टा अगर स्पीड में बनाऊंगा तो उसके लिए आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं इसलिए वीडियो को थोड़ा सा लेंथी करता हूं ताकि आप लोगों को मैं डिटेल में समझा पाऊं। ठीक है, तो वीडियो का पूरा देखिएगा, खास करके लास्ट तक तो जरूर देखिएगा, लास्ट पार्ट में आपको बहुत सारा चीज में आपको समझाने वाला हूँ कैसे आपको पूरा दुपट्टे का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट कैसे आप अलग अलग से पोजिशन कर सकते हो, वो सारा चीज मैं आप लोगों को डिटेल में कवर अप करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा गाइस, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बिल्कुल दबाएं ताकि जब भी इस टाइप का लर्निंग वीडियो आए तो आप सब मिस ना हो जाए। सलाम एंड नमस्कार, मेरा नाम राकेश रहमान है, मैं टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंट डिजाइनर एंड वेलकम बैक टू तंद्रीटेक्स। तो आज हम सीखेंगे एक सलवार सूट का दुपट्टा, सलवार सूट का दुपट्टे में क्या क्या फंडामेंटल होते हैं, कैसे आप इसमें प्लेसमेंट कर सकते हैं, कैसे आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं, खास करके एक बॉर्डर में कॉर्नर इफेक्ट कैसे दिया जाते हैं, वो बहुत सारा जो डिजाइनर फ्रेशर है उनको नहीं आता, तो उसके लिए भी मैं आपको इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। अलग अलग प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं, एक दुपट्टा बनाने के लिए क्या क्या स्टेप जरूरी है एक लेना, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो की शुरुआत से लेकर एंड तक डिटेल में देखिएगा, समझिएगा, एंड वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा वीडियो को पॉज करके। ओके, तो चलिए अपने पीसी में चलते हैं, फोटोशॉप में जाके मैं आपको डिटेल में पूरा वीडियो को समझाने का कोशिश करता हूँ, पूरा एक दुपट्टा डिजाइन कैसे बनाते हैं उसके बारे में पूरा आपको बताने का कोशिश करता हूँ। ओके, शॉबिया में अगर आपने पीसी में आपको दिख रहा होगा, मैंने सलवार सूट का जो फोल्डर का जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बना के दिखाया था कैसे एक सलवार सूट का फ्रंट बैक एंड स्लीव बनाया जाते हैं एंड उसका पूरा एक सलवार सूट का डिजाइन कैसे बना सकते हैं, उसी सलवार सूट का वीडियो से मैं जस्ट आपका उसका बैक या तो उसका फ्रंट कोई भी हम ले लेते हैं, उसके ऊपर से हम कोई भी डिजाइन बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दुपट्टा बनाने के लिए हमारा जो फ्रंट है वही ज़्यादा हाईलाइट होता है, तो इसलिए मैं फ्रंट को ही पहले प्रेफर करता हूँ, देन हम अगर चाहे तो उसका बैक का जो पोर्शन हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया वो उसके ऊपर से भी आप सलवार सूट का दुपट्टा बना सकते हैं। ओके, तो एक बार फ्रंट पोर्शन लेते हैं, देन आप बैक में भी आपको थोड़ा सा मैं समझा दूंगा कैसे इस तरीके का आप दुपट्टा क्रिएट कर सकते हैं। बट एक दुपट्टा बनाने के लिए जो बेसिक जो नीडेड जरूरी है, बेसिक जो एक स्ट्रक्चर जरूरी है, वो आपको अगर आइडिया लगेगा, वो आपको अगर नॉलेज होगा, तो आप कोई भी मटेरियल से आप दुपट्टा बना सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने सलवार सूट का जो डिज़ाइन यहाँ पे बनाया था उसी पूरा डिज़ाइन को यहाँ पे खोल लिया है, और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट काम होगा इसको हमें 90 डिग्री में रोटेट कर लेना। उसका रीज़न ये है कि हम जब भी कोई भी एक सलवार सूट का फ्रंट या तो बैक से उसका दुपट्टा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो हमें उसी का जो मोटिव है, उसी का जो फ्लावर है, उसी का जो बैकग्राउंड टेक्सचर है, उसी के ऊपर से हमें मैक्सिममली बनाना पड़ता है। एंड हम चाहे तो कुछ दूसरा एक्स्ट्रा मोटिव हम डाल सकते हैं, बट बेसिकली कोई भी कस्टमर या तो कोई भी क्लाइंट ज़्यादातर प्रेफर यही करते हैं उसी का जो बैकग्राउंड है, उसी का जो फ्लावर है, उसी में से आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाके बहुत ब्यूटीफुल दुपट्टा क्रिएट करें। एंड मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है, जो नॉर्मल कस्टमर होता है जो कि एक सलवार सूट का डिजाइन खरीदते एज ए नॉर्मल पीपल,
तो उसमें उनका भी यही थॉट होता है कि एक सलवार सूट का मतलब जो कलर है उसमें जो मोटिव है उसी के साथ साथ दुपट्टे का भी उसका मिक्स एंड मैच हो, ताकि एक सेट यूज़ किया जाता है सलवार सूट का। ठीक है, तो इसमें से हम अगर इसका दुपट्टा क्रिएट करना चाहें तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा, इसको हम रोटेट कर लेंगे जैसे आपको बताया था। एंड रोटेट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा गाइस कि अभी भी आप सलवार सूट का डिज़ाइन बनाए उसका दुपट्टा क्रिएट करें फ्रंट से, तो आपको इसको डुप्लीकेट कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपको अल्टर आई डी आई ए डी क्लिक करेंगे तो आपका वो डुप्लीकेट हो जाएगा। जस्ट आपको अल्टर आई ए डी, अल्टर आई ए डी का मतलब क्या हुआ, जस्ट हमें जो यहाँ पे अल्टर आई जाएंगे तो हमारा इमेज में जाएंगे, एंड ई एंड डुप्लीकेट करने के लिए क्या करेंगे, हम जस्ट इमेज में जा सकते हैं, इमेज में जाके यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन है वो क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अल्टर आईडी करेंगे तो आपका डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, देन आप इसको एंटर करेंगे तो आपका एक फाइल का डुप्लीकेट फाइल आ जाएगा। ये जो फ्रंट का पोर्शन उसका आप फिलहाल बंद कर दीजिए ताकि उसमें कोई चेंजेस ना आ जाए, उसमें कोई चेंज हम गलती से ना कर पाए, उसमें हम सेव ना कर पाए, इसीलिए डुप्लीकेट करके ऑलवेज आप काम करना बहुत ईजी होता है आपके लिए। ओके, एंड देन आप इसको जस्ट अल्टर आई जी करके 90 डिग्री में घुमा लेंगे। अल्टर आई जी का मतलब क्या हो, जस्ट आपको इमेज में जाना है एंड इसका आपको इमेज रोटेशन में जाना है, आपको 90 डिग्री में घुमाना है। उसका ही उसी का जो शॉर्टकट है उसको हम यूज़ करते हैं अल्टर आई जी, एंड जी क्लिक करने का मतलब होगा आपको इमेज का रोटेशन आ गया, एंड देन आपको 90 डिग्री में क्लिक करना है तो आपको 90 डिग्री में पूरा जो आपका कैनवस है वो घूम जाएगा। एंड रोटेट करके हम पूरा काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा एक पूरा सलवार सूट का फ्रंट या तो बैक से उसका दुपट्टा बनाना, बिकॉज उसी का जो मोटिफ है उसी को हम पूरा हॉरिजॉन्टली से वर्टिकली यूज़ करना चाहते हैं, उसी को हम पूरा 90 डिग्री में घुमा के यूज़ करना चाहते हैं। ओके, तो एक बार आपका पूरा मोटिव यहाँ पे आ गया। अब उसका नेक्स्ट काम हमारा होगा कि इसमें हमें लेयर वाइज अलग अलग इसका नाम क्रिएट कर देना है ताकि हमारे लिए बहुत इजी हो, उसको हमें फाइंड आउट करने में ईजी हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उसी का मोटिव लेके हम पूरा उसका अलग अलग स्ट्रक्चर क्रिएट करें। तो इसलिए जैसे कि ये वाला मोटिव है इसको हमें यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम एक बार उसका पूरा नेक हमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ता दुपट्टे में, इसके लिए नेक का पोर्शन हम हटा देते हैं, नेक को हम इसको डिलीट कर देते हैं या तो हम हटा देते हैं या तो हाइड करके रख सकते हैं आप कोई भी। एंड यहाँ पे जो ये वाला सिंगल एक फ्लावर है उसको हम एक बार ऊपर रख लेते हैं, उसका सिंगल फ्लावर करके नाम दे देते हैं। एंड यहाँ पे जो हमने इसका फोटो फिल्टर यूज़ किया था उसको एक बार फिलहाल के लिए ऑफ कर देते हैं, हमें अभी अभी ज़रूरत नहीं है। जब अब पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तब हम फोटो फिल्टर को जस्ट ऑन कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, जस्ट आपको लिख देते हैं सिंगल फ्लावर जी, सिंगल। ओके, तो हमारा वो सिंगल फ्लावर करके सेव हो गया, इसको हम ऑफ करके अभी फिलहाल के लिए रख देते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट काम होगा इसका जो बॉर्डर पोर्शन है वो बॉर्डर पोर्शन को पूरा हमें अलग से एक ही लेयर में कन्वर्ट करना, बिकॉज हमें बॉर्डर का देखिए शायद एक बॉर्डर का ग्रुप हमने बनाया था कि नहीं बनाया हुआ, बॉर्डर का ग्रुप नहीं है, तो हमें बॉर्डर का एक अलग से पूरा ग्रुप या तो बॉर्डर का अलग से मर्ज करके रखना पड़ेगा, बिकॉज हमें वही बॉर्डर को पूरा हमें रोटेट करके पूरा बाउंड्री देना पड़ेगा ताकि उसका एक बहुत ब्यूटीफुल लुक आए। तो उसके लिए बॉर्डर का पोर्शन को हमें अलग से डिफाइन कर लेना पड़ेगा। तो बॉर्डर का पोर्शन में हम देखते हैं यहाँ पे जाते एंड इसको बॉर्डर को हम सिलेक्ट करके पूरा हम इस बॉर्डर का एक आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, इसको आप मर्ज भी कर सकते हैं, बिकॉज हमें अभी जरूरत नहीं है, तो इसको हम मर्ज करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने मर्ज कर लिया। ओके, एंड देन हमें दूसरा काम होगा जो कि हमारा जो अलग अलग फ्लावर का पोर्शन है उसको भी हमें अलग अलग से रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम जाएंगे एंड इस पर्टिकुलर फ्लावर में देखेंगे, इस पर्टिकुलर फ्लावर को भी हम अलग अलग तरीके से, बिकॉज हमें हो सकता है कि ये वाला पोर्शन का जो फ्लावर एंड मोटिव है उस मोटिव का हम दूसरे कहीं पर यूज़ करना चाहे दुपट्टे के लिए। ओके, एंड जैसे कि मैं आपको बता रहा हर डिज़ाइन में आपको एक डिज़ाइन बनाने से पहले उसका स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे उसका थोड़ा सा माइंड में क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका डिज़ाइन कभी भी बहुत फास्ट या तो बहुत टेक्निकली स्मार्ट बनेगा नहीं। तो इसलिए आपको पहले थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे मैंने सोच लिया यहाँ पे ये वाला जो मोटिव है उस मोटिव को थोड़ा सा कहीं पे इधर उधर यूज़ करेंगे, ये वाला जो मोटिव है उसको हम कहीं पे यूज़ करेंगे। तो इसलिए इस पर्टिकुलर दोनों मोटिव को हम अलग से एक ग्रुप करके एक फोल्डर में रखेंगे ताकि हमारे लिए उसको यूज़ करना बहुत ईजी हो जाए। तो इसको हम जस्ट सेलेक्ट करते हैं एंड इसको हम सेलेक्ट करते हैं एंड इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, एंड काफ़ी दोस्तों ने ये पूछा है कि कभी कई बार ऐसा होता है कि कोई भी मोटिव को हम जस्ट हम माउस से वन क्लिक में कैसे सिलेक्ट करते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट का एक ऑप्शन आता है, ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा एंड आपको देन यहाँ पे लेयर या तो ग्रुप ऑप्शन आता है, तो लेयर में आपको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका कोई भी एक सिंगल लेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उस लेयर का आपका आ जाएगा, उसको आप जस्ट सिलेक्शन ले सकते हैं या तो उसको आप यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको वन क्लिक करना है, जैसे आप शिफ्ट दबाने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये वाला लेयर सिलेक्ट हो गया एंड इसके ऊपर क्लिक किया तो ये वाला लेयर भी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत इजीली अलग अलग पर्टिकुलर लेयर को कोई भी लेयर में आपको जा के सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करते ही आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ओके, देन इसको कंट्रोल जी दबा के हम ग्रुप कर लेते हैं एंड इसको मैं जस्ट एकदम ऊपर लेके चले जाता हूँ, बिकॉज हमें अभी इसका जरूरत नहीं, इसको बंद करके रखना है। तो बंच
फ्लावर बंच जस्ट आपको यहाँ पे रख के ओके कर दिया, ओके। एंड ए वाला जो फ्लावर है उसको भी हम सबसे ऊपर लेके चले जाते हैं, एंड उसको भी हम यहाँ पे बिग फ्लावर या तो कुछ भी करके जस्ट आपको ब्रीनेम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें याद रहे, ओके। एंड देन अब इसको यहाँ पे रख दिया। अब हमारा नेक्स्ट काम होगा इसी से पूरा बाउंड्री बनाना एंड उसका पूरा दुपट्टे का लुक क्रिएट करना। एंड दुपट्टे का पूरा बाउंड्री बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, कोई भी एक दुपट्टे का जो साइज़ होता है वो बहुत मैटर करता है, ताकि पूरा आपका डिज़ाइन एक बार रेडी होने के पहले ही आपको साइज़ एक बार पता होगा, ताकि आके आपका डिज़ाइन बहुत अच्छे से बने, उसमें कोई ट्रांसफॉर्म नहीं करना, उसमें हमें कहीं भी कोई खींचा हुआ लुक नहीं दिखे, तो इसलिए हमें पहले साइज जानना ज़रूरी है। तो मैक्सिममली कोई भी एक सलवार सूट का डिज़ाइन के लिए हम जो साइज़ यूज़ करते हैं उसमें 44 इंच का साइज़ हम हाइट में यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम कोई भी सलवार सूट का डिज़ाइन जब हम यूज़ करते हैं उसका जो बनाते हैं उसमें जो दुपट्टा यूज़ होते हैं उसमें जो फैब्रिक यूज़ होता है उसका फैब्रिक के हिसाब से हम उसका जो हाइट है वो हम कैलकुलेट करते हैं। बट मैक्सिममली मोस्ट प्रॉब्ली एक सलवार सूट डिज़ाइन में 44 इंच का हाइट का दुपट्टा क्रिएट किया जाता है। एंड उसमें ज़रूरी नहीं है 36 इंच का भी हाइट का पूरा दुपट्टा बनाया था, 28 इंच का भी हाइट का दुपट्टा बनाया था। तो डिफरेंट डिफरेंट हाइट एंड डिफरेंट डिफरेंट विथ का दुपट्टा क्रिएट होता है, वो जब हम एक्स्ट्रा और भी नॉलेज लेंगे दुपट्टे के बारे में और भी जब जानेंगे तो उस टाइम मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। तो अभी फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक सलवार सूट का डिज़ाइन का दुपट्टे में आपको 44 इंच का हाइट लेना है, एंड उसको जो विथ लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ में आपको जस्ट 91 या तो 91.5, कई बार बहुत सारा डिजाइनर यूज़ करते हैं 91 लिया जाता है। अब इसमें कैसे ले जाते हैं उसको मैं आपको जस्ट सेंटीमीटर में जाकर दिखाना चाहूँगा, उसका जो मेजरमेंट है। आपको 91 इंच लेते ही आपको यहाँ पे आ जाएगा 231 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मीटर 31 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी क्लाइंट ही हमें बोल देते हैं कि हमें 2 मीटर या तो 2.25 मीटर तक आपका दुपट्टा हमें रेडी चाहिए, तो इसीलिए हम एज ए डिज़ाइनर 230 का उसका साइज रखते हैं। तो उसके बाद हमें जब एक दुपट्टे का रॉ मटेरियल फिनिश होकर हमारे हाथ में आते हैं तो उसमें जो उसका साइज होता है 220 या तो 225 या तो 228 तक भी हमें कई बार उसका फिनिशिंग जो दुपट्टे का फैब्रिक है वो हमें मिल जाता है। तो इसीलिए हमें उसका जो साइज़ एवरेजली रखते 91 इंच, जो कि हमारा 231 सेंटीमीटर का करीब आते, ओके। तो हमने 91 इंच का साइज रख लिया। अब इसको क्या करना है, जस्ट आपको कैनवस में जाना है, आपको जस्ट यहाँ पे या तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, बिकॉज हमें ये पर्टिकुलर पोर्शन को यहीं पे रखना है, उसको हमें जस्ट आप अगर यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, पूरा आपका ये पूरा कवर हो जाएगा ना, आपको सेंटर पोर्शन में आ जाएगा, वो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए आपको वो जानना भी बहुत जरूरी है। जस्ट आपको कैनवस साइज में जाना है, आपको ये वाला पोर्शन में आपको क्लिक करना है, जस्ट एकदम लेफ्ट कॉर्नर में जो आता है 91 यहाँ पे लेना है, 44 यहाँ पे लेना है, देन आपका पूरा दुपट्टे का फ्रेम रेडी होगा या पूरा आपका दुपट्टे का कैनवास आपका पास आ गया। यानी इसी कैनवास में हम पूरा दुपट्टे को सेट आउट करेंगे, इसी मोटिव से हम पूरा दुपट्टे का बनाने की कोशिश करेंगे। एंड एक सलवार सूट का डिज़ाइन का दुपट्टा बनाना बहुत ईजी है गाइस, इसी मोटिव को लेना है, उसी को जस्ट आपको प्लेसमेंट करना है, एंड आप बहुत ईजी उसी मोटिव से पूरा एक नया दुपट्टे का लुक क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसमें कई बार हम क्या करते हैं, उसका जो सेम बैकग्राउंड है, सेम बैकग्राउंड टेक्सचर वही हम सेम यूज़ कर लेते हैं, जरूरी नहीं है ये सेम यूज़ करना, उसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मोटिव आप ऐड कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली जो कि हमारा सेम बैकग्राउंड ही यूज़ होता है, क्योंकि एक सेट हम बनाए जाते हैं एक सलवार सूट का फ्रंट बैक एंड स्लीव के साथ, उसका दुपट्टे का जो कलर है उसका जो टेक्सचर है वो मिलना चाहिए, तभी एक उसका पूरा सेट बनता है, इसीलिए हम वही सेम टेक्सचरल इफेक्ट से पूरा दुपट्टे का रेडी करेंगे, ओके। तो हमने यहाँ पे बॉर्डर को भी मर्ज कर लिया, एंड ये वाला जो पर्टिकुलर लेयर एंड फ्लावर है वो भी एक बार हमें ज़रूरत पड़े तो उसको भी एक बार हमें अलग पूरा ग्रुप में डालना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको जस्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बॉर्डर को भी अलग से कर लिया बॉर्डर, ठीक, एंड यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। अब बाकी का हमारा जितना भी लेयर है उसको हम चाहे तो उसको जस्ट हम ग्रुप करके रख सकते हैं, एंड जैसे हमने यहाँ पे ग्रुप कर लिया पूरा, तो हमारा पूरा जो भी यहाँ पे लेयर है आपको दिख रहा होगा, दूसरा कोई भी बहुत सारा जो लेयर है वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो इसलिए क्या करना है आपको, जब भी पूरा फुल मोटिव को ग्रुप करके रखना है उस टाइम आपको जरूर ध्यान रखना है उसमें जो बैकग्राउंड टेक्सचर है, उसमें जो बैकग्राउंड टेक्सचर हमने यूज़ किया वो इसके अंदर ग्रुप ना हो जाए, बिकॉज हमें इस पर्टिकुलर पूरा मोटिव को हमें दूसरा जगह पे यूज़ करने के लिए यूज़ लेना है, तो उसके लिए हमें ग्रुप कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको ध्यान देना है कोई बैकग्राउंड का पोर्शन ना आ जाए। हो सकता है क्योंकि हम जब डिज़ाइन बनाए तो उसका बैकग्राउंड टेक्सचर हम इधर उधर लेयर में हम असेंबलिंग नहीं करते, कहीं पे ऊपर रख देते, कहीं पे नीचे रख देते, वो आपको ध्यान जरूर देना है। देन आपको क्या करना है, जस्ट आपको इस पर्टिकुलर लेयर में क्लिक करेंगे तो आपको ये बैकग्राउंड का टेक्सचर दिखेगा, उसको जस्ट आपको ड्रैग करके इस ग्रुप के नीचे रख देना है, ठीक है। एंड देन आपको ये वाला जो लेयर है वो भी सब आपको यहाँ पे ग्रुप के नीचे रख देना है, जैसे ये वाला पर्टिकुलर पूरा चारों यहाँ पे जो भी टेक्सचर यूज हुआ वो टेक्सचर को हमने यहाँ पे, एंड ये वाला जो टेक्सचर है उसको भी हम जस्ट इसके नीचे कर लेते हैं,
ओके देन आप जैसे एक बार ग्रुप का जो पूरा जो फुल FLOWR फ्लावर्स ग्रुप एंड नामकरण इसीलिए करना जरूरी है ताकि आपका पूरा मोटिव को समझने के लिए हमारे लिए बहुत इजी हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देगा, तो आपको वो हमेशा ध्यान रखना है ओके एंड इसमें देखिए टेक्सचर का हमने अलग से लेयर यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसीलिए टेक्सचर के लिए पूरा हम अलग से एक पूरा ग्रुप बना लेते एंड इसमें टेक्सचर लिख देते एंड इसको हम जस्ट इसके ग्रुप के नीचे कर लेते ओके अब हमारा क्या करते हैं फ्लावर वाला ग्रुप को एक बार बंद करते हैं, इसमें हम देख लेते हैं एंड देखिए टेक्सचर के साथ साथ हमारा ये भी आएगा, तो ये काफ़ी बार प्रॉब्लम करते हैं, इसीलिए गाइस जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाए तो उस टाइम ही आप सब अगर उसका नामकरण कर देंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोरक का इसको नामकरण कर ही दिया था बट फिर भी मैंने भूल गया तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया एंड टेक्सचर का जो ग्रुप है वो भी हम यहाँ पे ले लेते, तो बेसिकली जो भी आपका यहाँ पे मटेरियल है वो सब यहाँ पे आपको उसके साथ ही यूज़ करना रहेगा एंड इसको हमने यहाँ पे ले लेते ओके एंड हमारा जो टेक्सचर है अभी शायद अलग हो गया ठीक है ओके अब हमारा टेक्सचर हमारा एकदम अलग हो गया एंड उसके बाद हम जो ये वाला पर्टिकुलर टेक्सचर है उसको हम एकदम नीचे ले लेते हैं दैट्स इट ओके एंड अभी हमारा जो ये वाला जो टेक्सचर का जो ग्रुप है सिर्फ हमारा जो अलग से टेक्सचर का ग्रुप है वो मैं यहाँ पे रह गया एंड ये वाला पोर्शन को भी हमें नीचे लेना है, तो ये छोटा छोटा पोर्शन आपको ध्यान रखना जरूरी है बिकॉज हम जब एक डिज़ाइन बनाए तो उसमें हमें अलग अलग लेयर वाइज काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ईजी होता है गाइस, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वो सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ओके। तो हमने यहाँ पे बाकी का जितना भी जो फ्लावर का ग्रुप है वो सब हमने यहाँ पे डाल दिया ताकि हमारे लिए एक एक ग्रुप में हो गया ताकि हमारे लिए बहुत इजी हो ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा उसका बॉर्डर को देखिए, उस पूरा जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को देखिए, हमें पूरा इसका बाउंड्री बनाना है एंड एक बार बाउंड्री बन जाए तो हमारा पूरा दुपट्टा बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। अब बॉर्डर का बाउंड्री जब बनाने जाएंगे तो उस टाइम आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना जरूरी है, उसमें जो रिपीट है वो एक बॉर्डर का रिपीट होना जरूरी है, जो कि पिछले वीडियो में जैसा हम सलवार सूट का डिज़ाइन बनाते उसमें हम एक पूरा बॉर्डर का रिपीट नहीं बनाया था बिकॉज हम इसको सिर्फ अलग 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 बॉर्डर को यहाँ पर यूज़ किया था, इसलिए उसका रिपीट हमने नहीं बनाया था, बट इसमें हम बना लेंगे। कैसे बनाना है जस्ट आपको देखना है यहाँ पे उसका अकॉर्डिंग पूरा आपको एक ग्रिड लाइन लेना है, जस्ट आपको सॉरी यहाँ पे आपको एक ग्रिड लाइन यूज़ कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पे इसका ग्रिड लाइन यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं ठीक है। तो इसका सेंटर पोर्शन हमारा यहाँ पे आ गया एंड ये वाला जो पर्टिकुलर जो ब्लैक कलर का हमने बॉर्डर यहाँ पे यूज़ किया, उस ब्लैक कलर को बॉर्डर को हम जस्ट ड्रैग करते एंड यहाँ पे क्या करते हैं उसको हम ड्रैग करके इसका भी सेंटर पॉइंट में डाल देते, हो गया। एंड सेम थिंग हम क्या करेंगे, इसको हम पर्टिकुलर पोर्शन को एक बार कट कर लेते ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो ओके एंड देन हम सेम चीज़ यहाँ पे भी सेम चीज़ हम करेंगे ताकि हमारे लिए बहुत ईजी हो, जैसे यहाँ पे इसका सेंटर पोर्शन हमने डाल लिया ओके एंड यहाँ पे देखिए आपका सेंटर पोर्शन नहीं मैच हो रहा है तो क्या कर सकते हैं हम, सिंपल एक जो शॉर्टकट एक ट्रिक है आप इस तरीके से बहुत आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि कई बार मैं डिज़ाइन में यूज़ करता हूँ, जस्ट आपको थोड़ा सा पोर्शन लेना है बिकॉज ज़्यादा ये डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको एक पर्टिकुलर पोर्शन को छोटा करके ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो हमारे साथ ये मैच हो जाएगा ओके। तो इस तरीके से आप सिंपली एक पूरा बॉर्डर का रिपीट आप क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपका बॉर्डर में रिपीट ऑलरेडी नहीं है तो ठीक है। तो आपका बॉर्डर एक बार बन गया, बॉर्डर का एक बार रिपीट हो जाने के बाद हमारे लिए बहुत इजी होगा, इस पूरा बॉर्डर से हमें पूरा बाउंड्री बनाना, तो बाउंड्री बनाने के लिए फर्स्ट हमें जो काम करना पड़ेगा इसको हम ऊपर लेके जाते हैं एंड देखिए कुछ पोर्शन हमारे यहाँ पे छूट गया तो इसको पर्टिकुलरली इरेज कर लेते हैं एंड अभी हमारा बॉर्डर पूरा एक आ गया अलग से, तो उस बॉर्डर को हम जस्ट रिपीट डालते हैं एंड इस तरीके से हमने यहाँ पे रिपीट कर लिया, तो बॉर्डर हमारा रिपीट हो गया, इसको मर्ज कर लेते हैं। अब मर्ज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक 45 डिग्री एंगल का पाथ ड्रॉ करना है एंड उसको कटआउट करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहूँगा एंड ये जो भी फ्लावर है उसको एक बार बंद कर दो ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो एंड टेक्सचर को भी एक बार बंद कर दो बिकॉज मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस कि आपको एक पूरा कॉर्नर कैसे करना है। कोई भी बॉर्डर में काफ़ी बार बहुत सारा जो डिज़ाइनर है हमारा जो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे भी मैंने देखा है बहुत सारे जो डिज़ाइनर गलतियाँ करते हैं दुपट्टे बनाने के टाइम, कॉर्नर बॉर्डर नहीं करते बिकॉज उसका जैसे एक दुपट्टे का लुक बहुत खराब हो जाता है एंड ज़रूरी नहीं है कॉर्नर बॉर्डर करने का, आप चाहे तो इसका जो बॉर्डर का पोर्शन आप इस तरीके से भी बना सकते हैं बट उसमें एक अलग टेक्निक यूज़ किया जाता है। जब हम इस टाइप का पूरा बॉर्डर बनाते हैं, इस टाइप का पूरा अक्रॉस हम बनाते हैं, उसमें एक अलग टेक्निक यूज़ किया तो उसका भी एक अलग यूनिकनेस है, बट वो हम कभी भी दूसरा टाइप का जब वीडियो बनाएंगे दूसरा टाइप का जो बॉर्डर का डिज़ाइन बनाएंगे उसमें हम बताएंगे, बट उसमें आप अलग टेक्निक यूज़ करके पूरा डिज़ाइन को बनाए जाते हैं एंड बट इनिशियली हम एक क्रॉस कैसे बनाते हैं उसको हम सीखते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जस्ट आपको एक पाथ टूल
लेना है एंड आपको जस्ट आपको 90 डिग्री में इसको सॉरी 45 डिग्री में आपको एक पाथ ड्रॉ करना है। 45 डिग्री पाथ ड्रॉ करने के लिए बहुत ईजी है, जस्ट आपको एक पेन टूल का डॉट लेना है एंड देन आपको जो स्विफ्ट दबाना है, स्विफ्ट दबा के आप जस्ट इसे यहाँ पे कहीं पे भी आप यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपका एक 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे लंबाई ले लेना है, यहाँ पे लेना है देन आपको पूरा एक 45 डिग्री पे आपको एक कट पोर्शन मिल गया। देन आपको ये पर्टिकुलर पोर्शन में जाना है एंड यहाँ पे हमारा टूल बार नहीं दिख रहा है तो टूल्स प्रीशेट में जाते हैं, सॉरी विंडोज व्यू टूल्स, तो टूल्स कई बार गायब हो जाता है, कई बार ऐसा प्रॉब्लम होता है हमारे साथ भी, तो इसको पर्टिकुलर पोर्शन में जाना है। इसका आपका जो भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, जस्ट आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है या तो पाथ सिलेक्शन टूल है, तो पाथ सिलेक्शन टूल करेंगे तो बहुत ईजी होते हैं। पाथ सिलेक्शन में क्लिक करिएगा एंड आपका पूरा जो पाथ आपने यहाँ पे ड्रॉ किया उसको ड्रैग करके आप रख सकते हैं। एंड आपको बता दूं मैं डायरेक्ट सिलेक्शन में पाथ सिलेक्शन में जो फर्क है, आप डायरेक्ट सिलेक्शन में आप अगर क्लिक करके उसको ड्रैग करने जाएंगे तो क्या होगा, पर्टिकुलरली कोई भी एक मोटिव एक पॉइंट को आप ड्रैग हो जाएगा, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपको पूरा पाथ को मूव करना है तो आपको पाथ सिलेक्शन टूल लेना है एंड देन आपको पूरा पाथ को यहाँ पे इस तरीके से मूव कर सकते हो। ओके एंड देन आपने यहाँ पे इसको पूरा बना लिया एंड इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पे एक कॉर्नर के हिसाब से आपको एक पूरा ले लेना है, ठीक है। एंड देन आपको जस्ट ये पर्टिकुलर पॉइंट को मूव अगर करना है ऊपर की तरफ, जस्ट आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है एंड यहाँ से जाके इसको आप मूव कर सकते हैं। ओके सो इस तरीके से आपको एक कॉर्नर वाला बॉर्डर का पोर्शन आपको मिल जाएगा, जस्ट आपको कंट्रोल एंटर दबाना है आपको सिलेक्शन के लिए, देन आपको कंट्रोल जे दबाएंगे तो आपका पूरा इसका नया लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल जे दबाकर फिर से जाना है और कंट्रोल टी दबाना है ट्रांसफॉर्म के लिए। देन आपको यहाँ पे जाके जो आपको सेंटर पोर्शन है, जो आपका यहाँ पे जो डॉटेड पॉइंट है सेंटर पोर्शन है, वो सेंटर पोर्शन को जस्ट आपको यहाँ पे लेके आना है एंड आपको इस तरीके से आपको एकदम कॉर्नर में जाके उसको प्लेस कर देना है। देन आपको 90 डिग्री में आप रोटेट करिएगा ना, इसको वर्टिकली करिएगा, पूरा आपका एक क्रॉस वाला बॉर्डर आपको यहाँ पे इफेक्ट एक आ जाए, ठीक है। तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना, वीडियो को 2-3 बार अगर चाहे तो रिव्यू रिफाइन करके देखिएगा ताकि आपको पूरा एग्जैक्टली पता चले, जिन दोस्तों को क्रॉस बॉर्डर के बारे में नॉलेज नहीं है। ओके एंड उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप इस टाइप का बॉर्डर यूज़ करें क्रॉस बॉर्डर के साथ साथ, आपको अभी यहाँ पे एंड यहाँ पे बॉर्डर आप देना चाहें तो इसका जो यहाँ पे जो हम साइज़ लेते हैं वो उसका साइज़ भी बहुत मैटर करते हैं। उस टाइम हम यहाँ पे जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था 1.5 या तो 1 इंच या तो 2 इंच का हम यहाँ पे गैप देते हैं, बिकॉज एक सलवार सूट का कोई पोर्शन को हमें कटआउट करने के लिए या तो एक लासा को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सेम तरीके से दुपट्टे में जो ये पोर्शन है वो भी हमारा 2 से 2.5 इंच का लेना ज़रूरी होता है, बिकॉज हम जब कोई भी दुपट्टा बनाया तो उसे 44 इंच का दुपट्टे में हो सकता है उसमें जो फैब्रिक का विथ एंड हाइट है, हो सकता है कि 44 तक आ जाए या तो हो सकता है 42 तक आ जाए या तो हो सकता है 44 तक ही रहे, ठीक है। तो वो हमें पहले से डिसाइड कर लेना जरूरी है, तो इसलिए हम उसका जो साइज है वो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 2.5 इंच तक रखते हैं। तो 2 से 2.5 इंच तक लेने के लिए जस्ट इसको मर्ज कर लेते एक बार एंड इसको जस्ट हम ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं, इसका देख लेते हैं उसका 2 से 2.5 इंच का आ रहा है कि नहीं। तो 2 से 2.5 इंच आने के लिए जस्ट आप कोई भी टूल आप ले के देख सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको यहाँ पे रैंडमली दिखा रहा हूँ, इसलिए जस्ट मैं आपको 2 से 2.5 इंच तक, देखिए 2.5 इंच का एक बार हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम इसको ग्रिड लाइन ले लेते एंड कंट्रोल डी एंड ई वाला बॉर्डर को हम यहाँ पे पेस्ट कर, ताकि हमारा पूरा जो डिज़ाइन बना है वो एकदम एक्यूरेट बने। ओके तो हमारा पूरा यहाँ पे क्रॉस आ गया एंड देन हमें दूसरा क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम जस्ट सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल जे एंड जस्ट आप यहाँ पे सेंटर पोर्शन को लेके गए एंड जस्ट इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया, ताकि क्या होगा हमारा जो जॉइंट है यहाँ पे जॉइंट भी मिल गया एंड पूरा दुपट्टे का बाकी का जो बॉर्डर पोर्शन है वो भी हमारा यहाँ पे कवर हो जाए। एंड नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इसी बॉर्डर को हमें बाउंड्री देना पड़ेगा। तो बॉर्डर को बाउंड्री देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सेंटर पोर्शन को हमें ढूंढना पड़ेगा, सेंटर पोर्शन को जो गाइडलाइंस है उसको हमें ढूंढना पड़ेगा। तो कंट्रोल दबा के हम पूरा पहले सिलेक्शन लेते हैं, सिलेक्शन लेने के बाद कंट्रोल टी दबाते हैं, बहुत ईजिली आप इसका सेंटर पोर्शन पे गाइडलाइंस आप दे पाएंगे। ओके एंड इस तरीके से आपने गाइडलाइंस दे दिया। ओके अब जस्ट कंट्रोल डी एंड यहाँ पे जाके आपको पूरा सिलेक्शन लेना है एंड बस जस्ट आपको इसको 1/4 पोर्शन को आपको कटआउट कर लेना है एंड उसी को हमें फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल करके बहुत इजीली इसका पूरा हम बॉर्डर हम बना लेंगे। ओके तो इसको जस्ट कंट्रोल जे दबाया एंड उसके बाद आपको जस्ट आपको इमेज में जाना है एंड आपको जस्ट
एंड देन अभी क्या करना है, पूरा आपको कंट्रोल ए दबा के सिलेक्शन लेना है, देन आपको एडिट में जाना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड आपको वर्टिकल करना है। एंड इसके जो शॉर्टकट है मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी का जो शॉर्टकट है जो कि बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, उसके लिए जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि एडिट में ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको वर्टिकल करना पड़ता है, सेम चीज़ हम शॉर्टकट में कर सकते हैं। जस्ट कंट्रोल दबा के, कंट्रोल जे दबा के इसको कॉपी किया, कंट्रोल ए दबा के पूरा सिलेक्शन ले लिया, अल्टर ई ए एन वी करेंगे तो आपका पूरा वर्टिकली मोटिव को मूव करके ऊपर लेके चला जाएगा। कंट्रोल जे दबाएंगे, अल्टर ई एन एच करके इससे लेयर को हम जस्ट हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे तो पूरा हमारा जो बाउंड्री लेयर है वो हमारा पूरा कन्वर्ट हो गया एंड अभी पूरा एक बाउंड्री बॉर्डर का आ गया, जिसके द्वारा हम पूरा दुपट्टे एक पूरा आउटलाइन जो होता है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि पूरा दुपट्टे का जो लुक है वो अभी पता चल रहा है। ठीक है, अभी हमारा क्या करना है, पूरा हमने गाइडलाइन को हटा दिया, अब जस्ट यहाँ पे कंट्रोल दबा के सिलेक्शन ले लेंगे एंड यहाँ पे सॉरी आपको कंट्रोल क्विक मेडिसन टूल लेना है एंड यहाँ पे आपको सिलेक्शन ले लेना है। आप सिलेक्शन जब भी आप ले लीजिएगा ताकि क्या होगा, आपका पूरा जो बाकी का जो नीचे का आपका जो पोर्शन है जो हमने यहाँ पे सॉलिड कलर का मेरून कलर का सॉलिड लेयर आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जिसको लासा आप दे सकते हैं यहाँ पे नीचे ऊपर कहीं पे पोर्शन में, तो उसका हमने यहाँ पे मरून लासा करके लिख लेते हैं, जहाँ पे आप मरून लासा करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कलराइज कर रहे हैं, इसका रीज़न है कि कभी आपको अगर कोई भी दुपट्टे में सलवार सूट के अकॉर्डिंग, सलवार सूट में जैसे कि चार पांच मैचिंग हम अलग अलग बनाते हैं तो उसी टाइप आप अलग अलग मैचिंग बनाना चाहें तो उस टाइम आपको अलग अलग मैचिंग के द्वारा पूरा डिज़ाइन को बनाना पड़े, उसी के लिए आपको अलग अलग मैं इसका कलर रख रहा हूँ, अलग अलग नाम लिख रहा हूँ ताकि हमें जब भी इसका कलर चेंज करना हो, जब भी उसको हम चेंजेस कोई भी करना चाहें तो हमारे लिए ईजी हो। ओके, एंड बाकी हमारा जो भी काम का लेयर नहीं है उसको हम डिलीट कर देते हैं एंड अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है उसका जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को भी हमें पूरा यहाँ पे कवर करना, तो पूरा बैकग्राउंड को कवर करने के लिए हम सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे जैसे हमने यहाँ पे बैकग्राउंड टेक्सचर यहाँ पे यूज़ किया था, उसी बैकग्राउंड टेक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, जस्ट हम इसको चाहे तो मर्ज कर सकते हैं या तो आप चाहे तो आप सिर्फ यही सेम जो यहाँ पे लेयर हमने यहाँ पे लिया हुआ अलग अलग लेयर में उस लेयर को भी आप अलग अलग कन्वर्ट करके यहाँ पे रख सकते हैं, बट इनिशियली मुझे जो लग रहा है इसको मर्ज करके करेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा, आप लोगों को समझाने में भी बहुत इजी होगा, इसलिए बाकी का जितना भी लेयर है उसको एक बार मर्ज कर लेते हैं बैकग्राउंड के साथ, उसको मर्ज कर लेते हैं एंड देन हम क्या करते हैं जस्ट इसको हम थोड़ा सा इसको लाते हैं यहाँ पे ताकि इस पर्टिकुलर पोर्शन का जो भी हमारा टेक्सचर है वहाँ पे एग्जैक्टली दिखे एंड ये पोर्शन थोड़ा सा हमारा ज़्यादा दिखे, दैट्स वाई। एंड इसको हम जस्ट सिलेक्शन करते कंट्रोल जे एंड अल्टर ई एन एच करके पूरा हम इसको हॉरिजॉन्टली करते हैं, अल्टर ई एन एच सॉरी वी करके हम इसको वर्टिकली कर देते हैं। अब इसका पूरा कॉर्नर में इसका प्लेस हो गया एंड इसको जो छोटा छोटा पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है उस पोर्शन को हमें यहाँ पे जो यहाँ पे लाइन आ रही है उस लाइन को हम इस तरीके से इरेज करके पूरा मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बैकग्राउंड अभी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, इसे फ्लावर को जैसे हमने जो जो फ्लावर यहाँ पे रखा हुआ है, जो फुल ब्लंच रखा हुआ है इस फ्लावर का, उस बंच को हम यहाँ पे दूसरी जगह पे प्लेस कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्लेस कर सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ यही आप जो बंच है उसी को रख सकते हैं, बाकी का जो पोर्शन है उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फ्लावर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मोटिव आप रख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आप डिजाइनिंग कंसेप्ट आप डेवलप कर सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अगर आप यही सेम आप अगर जो यहाँ पे यूज़ किया उसी के ऊपर आप अगर जैसे इसको थोड़ा सा आप अगर बड़ा करना चाहे, जैसे इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूँ, इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लिया। ओके, एंड उसके बाद मैं अगर चाहूँ कि इसी पर्टिकुलर मोटिव को लेके बाकी ये पोर्शन में सिर्फ फ्लावर या तो बाकी सिर्फ यहाँ पे मोटिव मैंने रखना चाहूँ तो उसके अकॉर्डिंग आप वो भी रख सकते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है, आपको वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे आप जो यहाँ पे अपने लेयर यहाँ पे यूज़ किया, अलग अलग लेयर को आपने यहाँ पे यूज़ किया ही है तो उसको जस्ट कंट्रोल हॉरिजॉन्टली कर देते हैं, इसको हम घुमा के यहाँ पे लेके आते एंड यहाँ पे भी हम हल्का सा एक बॉर्डर का रेशियो करते, यहाँ पे हम इसको हल्का सा इस बॉर्डर के जैसे यहाँ पे देना चाहते। ठीक है, एंड यहाँ पे आप कंट्रोल जे एंड देन यहाँ पे भी आप बॉर्डर के तरीके दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे एक बॉर्डर का फिल कर लिया तो आपका एक पल्लू जैसा हो गया, एक पल्लू जैसा हो गया। अब यहाँ पे आपको बीच में जो सेंटर पोर्शन में जो मोटिव हमने यहाँ पे रखा हुआ उसी मोटिव का हमें जस्ट प्लेसमेंट करना है, तो पहले आपको टेक्सचर वाला लेयर को ऑन कर देता हूँ, टेक्सचर वाला लेयर को ऑन करने के लिए, उसके बाद आप चाहे तो इसको मर्ज करके रख सकते हैं या तो आप चाहे जितना भी लेयर आपके पास है उसी लेयर को आप जस्ट सेम इधर उधर प्लेसमेंट कर सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है इसको मर्ज कर लेंगे तो बहुत ईजी होगा, तो उसके एक बार मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद इसका देखिए कलर आपका चेंज हो जा रहा है, उसका रीज़न ये है कि इसका ब्लेंडिंग मोड जो है वो चेंज होता है जब भी आपका कोई भी लेयर मर्ज करते हैं। ठीक है, तो उसका ब्लेंडिंग मोड हमारा था ल्यूमिनेंस, इसको ल्यूमिनेंस कर देते हैं, ल्यूमिनेंस करने के बाद कंट्रोल जे अल्टर ई एन एच तो हॉरिजॉन्टली प्लेस हो जाएगा, अल्टर ई एन वी तो आपका वर्टिकली वो प्लेस हो गया, तो हमारे यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टली वर्टिकली प्लेस हो गया।
अब चाहते हैं कि इसका टेक्सचर इफेक्ट और थोड़ा सा ज़्यादा आए, जैसे कि हमने इसका जो बैक पोर्शन बनाया था सलवार सूट का, फ्रंट और बैक में आपको शायद पता है बहुत सारा टेक्सचर इफेक्ट यहाँ पे दिया था, तो वही टेक्सचर इफेक्ट आप अगर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो जस्ट आप यही टेक्सचर इफेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप बन जाएगा। बट उसके पहले हम बाकी का जितना भी फ्लावर है, जितना भी लेयर है, उसको हम एक बार कन्वर्ट करके रखते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। एंड जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग फ्लावर का बंच यहाँ पे रखा हुआ, तो इस फ्लावर को बंच को हम एक बार यहाँ पे अच्छे से प्लेस करते हैं उसका लुक अच्छे से और एनालाइज हाईलाइट करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, ओके, बिकॉज ये वाला जो मोटिव है उसका काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, तो इसी मोटिव को मैं जस्ट यहाँ पे कंट्रोल जे एंड 180 डिग्री में घुमा लिया। एंड यहाँ पे मैं इसको रख सकता हूँ यहाँ पे इस पोर्शन में, ठीक है। एंड ये वाला जो बिग फ्लावर हमने यहाँ पे यूज़ किया, तो उसी बिग फ्लावर को हम जस्ट इसको ड्रैग करके ये वाला जो पर्टिकुलर पूरा पोर्शन है उसमें मैं 180 डिग्री में घुमा के जस्ट इस तरीके से मैंने बड़ा फ्लावर करके पूरा इस तरीके से यहाँ पे रख सकता हूँ ताकि उसका लुक थोड़ा सा बहुत अच्छा दिखे। एंड आप अगर चाहें तो और भी नया नया टेक्निक आप यूज़ कर सकते, दूसरा मोटिव भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते, बट मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ आप क्या क्या और कर सकते। जैसे मैंने ये वाला जो लेयर है उसको मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली करके यहाँ पे घुमा लिया एंड यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। एंड इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया। एंड ये वाला जो लेयर है उसको जस्ट ऊपर आप एकदम लेके जा सकते हैं ताकि आपका डिज़ाइन में एक थोड़ा सा अच्छा लुक भी दिखे, ठीक है। एंड इस तरीके से हमने यहाँ पे रख दिया। एंड ये वाला जो पर्टिकुलर लेयर है इसको भी जो मर्ज कर लिया, तो उसको भी हम ऊपर ले लेते, ओके, एंड इसको हम नीचे कर लेते ताकि उसका लुक थोड़ा सा अच्छा दिखे, ओके। एंड इस पर्टिकुलर लेयर को इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं एंड यहाँ पे इसको करते हैं, ओके। एंड आप अगर चाहे थोड़ा सा इसको कलर भी आप चेंज कर सकते थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए, दैट्स ऑल, ओके। एंड यहाँ पे भी हमने सेम जो मोटिव हमें यहाँ पे यूज़ किया उस मोटिव का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते, इसको हम एक काम करते यहाँ पे रखते, ठीक है। जस्ट आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना गाइस, जस्ट जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आपका डिज़ाइन का क्रिएटिविटी नज़र आएगा, उतना आपका डिज़ाइन का लुक बहुत बढ़िया आएगा, ओके। तो ये वाला जो पर्टिकुलर हमने फ्लावर को यहाँ पे यूज़ किया था उसी फ्लावर को हम यहाँ पे रख देते, ओके। एंड इसको भी हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक। तो आपका एक पल्लू जैसा लुक यहाँ पे भी आ रहा है। एंड ये वाला जो लेयर है उसको भी हम यहाँ पे एक बार रख देते 180 डिग्री, एंड इसको भी हम जस्ट ऊपर ले लेते ताकि इस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर आ जाए। तो इस तरीके से आपको जस्ट फ्लावर का जो प्लेसमेंट है वो आप कर सकते हैं ताकि आपका डिज़ाइन में और क्रिएटिविटी नज़र आए और नेचुरल एक लुक दिखे, एक डिज़ाइन का जो क्रिएटिविटी है वो अच्छे से दिखने लगे, ठीक है। एंड आप अगर चाहे तो इस फ्लावर के जगह पे आप यही फ्लावर को थोड़ा सा छोटा करके यूज़ कर सकते, या तो आप यहाँ पे कोई भी अगर नहीं भी यूज़ करें तो उसका भी खराब लुक नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे एक अच्छा लुक दे रहा है इसमें भी एक अच्छा लुक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं इस पर्टिकुलर मोटिव के ऊपर, ओके। तो एक अच्छा लुक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब ये वाला जो फ्लावर है उसको हम जस्ट इसके ऊपर रखते एंड एकदम ऊपर लेके चले जाते ताकि इसका बॉर्डर के ऊपर आ जाए, ये मोटिव कटा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। एंड बाकी का जो पोर्शन है वहाँ पे भी हम सेम टेक्सचरल इफेक्ट को जस्ट इधर उधर प्लेसमेंट करेंगे तो उसका भी काफ़ी अच्छा लुक आ सकता है। तो टेक्सचरल इफेक्ट वाला पर्टिकुलर पॉइंट में जाते हैं, कंट्रोल जे करके कॉपी करते हैं, 90 डिग्री में घुमाते हैं एंड इस तरीके से आपको जस्ट डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्लेस करना है। एंड इरेजर टूल है ना, जो कि हमारा इरेजर टूल में जो कि ब्रश हम यहाँ पे बना के रखा हुआ था जो एक टाइप का ब्रश है, तो इसको जस्ट आप इस तरीके से इरेज कर सकते हैं एंड जो जो पोर्शन में आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करते गाइस, जैसे आपको उसमें लुक देना है उस तरीके से आपको प्लेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसको भी हम जस्ट यहाँ पे 180 डिग्री में घुमा लिए, इस तरीके से हम यहाँ पे डाल दिए। तो टोटली इसके ऊपर आपको डिपेंड करता है आप क्या पे इसको लुक देना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जो बंच है उसको जस्ट कंट्रोल टैब घुमाया, आप 180 डिग्री में लिया एंड यहाँ पे हमने इसको रख लिया, तो कि हमारा एक बहुत अच्छा लुक है। एंड ये वाला जो मोटिव है उसको भी हम चाहे तो इसको ऊपर रख सकते हैं 180 डिग्री में घुमा के, ठीक है। एंड आप अगर चाहे जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लग रहा है ये वाला मोटिव को नहीं देना चाहते, इसको आप सेंटर पोर्शन में दे सकते हैं। एंड ये पर्टिकुलर जो लेयर है उसको भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप गाइस कैसे आप उसका लुक देना चाहते हैं, कैसे आप उसमें क्रिएटिविटी ऐड करना चाहते हैं। एंड उसमें आप जितना आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, जितना आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना आपका डिज़ाइन में एक बहुत अच्छा लुक आ सकता है।
एंड इस तरीके से आपने यहाँ पे रख दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके मैंने देखा था कि इसमें और भी क्या क्या मैं डिफरेंस ला सकता हूँ, और भी क्या क्या नया नया डिज़ाइनिंग का टेक्निक मैं ला सकता हूँ, इस तरीके से और भी नया नया डिज़ाइनिंग का कैसे आपका जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा। इसीलिए मैंने दो तीन इसी डिज़ाइनिंग का मैंने कंसेप्ट रेडी करने की कोशिश किया था, उसी का और एक मैं आपको दिखा रहा था, इसी डिज़ाइनिंग का एक नेक्स्ट पार्ट मैं आपको हिसाब से दिखाना चाहूँगा, बिकॉज आपको इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक्जैक्टली नॉलेज मिले कैसे आपको एक डिज़ाइन का अच्छा लुक दे सकते हैं, कैसे आप एक डिज़ाइन में एक बहुत ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी के साथ डिज़ाइन को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। एंड ये वाला जो फ्लावर है उसी को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ एंड इस पर्टिकुलर पोर्शन में 90 डिग्री में घुमा के इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए अब इस डिज़ाइन में एक बार बहुत अच्छा एक रिजल्ट आ रहा है, मुझे लग रहा है ये डिज़ाइन एक बार अभी कंप्लीटेड लग रहा है, इसमें कोई अभी इशू नहीं, एक सलवार सूट का डिज़ाइन का दुपट्टे के सबसे बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही एलिगेंट लुक यहाँ पे आ रहा है, ओके। एंड अब भी इस जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है इसी डिज़ाइनिंग का एक्सपेरिमेंट करके और एक नया मैंने डिज़ाइन बना के रखा हुआ आप लोगों के लिए, जस्ट मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। जैसे कि इसी डिज़ाइन का जो रॉ मटेरियल है, इसी डिज़ाइन का जो भी मैंने यहाँ पे फ्लावर यूज़ किया, जो भी यहाँ पे बॉर्डर यूज़ किया, उसी डिज़ाइनिंग को रॉ मटेरियल यूज़ करके आप इस तरीके का और एक नया कंसेप्ट आप डेवलप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको जस्ट दिखा देना चाहूँगा, बिकॉज आपको जितना मैं दिखाऊंगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए ये वाला जो है, ये वाला सेम पोर्शन को हम यहाँ पे कॉपी किया, इस वाला सेम पोर्शन को कॉपी किया एंड इसी पर्टिकुलर मोटिव को हम रख के यहाँ पे बनाया एंड उसमें जो हमने जो मेन फ्लावर जो है उसको हम यहाँ पे यूज नहीं किया, चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो फ्लावर है इसको हम जो यहाँ पे जो हल्का सा गैप आ रहा है उस पर्टिकुलर पोर्शन में जाके गैप को हम थोड़ा सा कवर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वाला फ्लावर हमने डाल दिया एंड इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो कि ये वाला जो लेयर है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रखते एंड इसको हम क्या करते इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रखते, ओके। एंड ये वाला जो फ्लावर है उसको हम यहाँ पे एक बार रख सकते हैं। तो जस्ट आपको जैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, मैं आपको हर डिजाइनिंग में बताता हूँ गाइस, तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना जरूरी है, ओके। एंड इसको यहाँ पे रख देते, सेंटर पोर्शन में अच्छा लग रहा था, ठीक है। सो इस तरीके से देखिए ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, सेम रॉ मटेरियल लेके सेम डिजाइन देके बनाए, ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें मैंने फोटो फिल्टर को ऑन नहीं किया इसलिए कलर थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट दुपट्टे का कंसेप्ट आप रेडी कर सकते हैं, ऐसे नया नया डिफरेंट डिफरेंट दुपट्टे का कंसेप्ट रेडी करने के लिए आपको फ्रेमवर्क का जरूरत है गाइस, जो कि आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको फ्रेमवर्क करना बहुत जरूरी है। आई डोंट नो आप लोग करते हैं कि नहीं करते, बट आप जितना करेंगे उतना आपको एक्सपेरिमेंट होगा गाइस, उतना आपको एक्सपीरियंस होगा। आप एक दुपट्टा बना रहे हो उसका दो दो अलग अलग कंसेप्ट बनाने की कोशिश करें, दो दो तीन तीन अलग अलग कंसेप्ट बनाने की कोशिश करें, उसके बाद आप अगर चाहे कोई दुपट्टे में अगर फ्रेमवर्क करना चाहे तो जैसे आपको यहाँ पे मैंने अलग से एक दुपट्टे का फ्रेमवर्क करके रखा हुआ, जैसे कि ये वाला दुपट्टे का जो फ्रेमवर्क है इस तरीके का है, यहाँ पे हमने अलग से मोटिव यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे मोटिव रखा हुआ है, यहाँ पे हमने अलग अलग जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो मोटिव को प्लेस किया उसके अकॉर्डिंग मैंने मोटिव को एक स्ट्रक्चर बनाया रखा हुआ है एंड उसके बाद हमने यहाँ पे सेम पोर्शन को यहाँ पे हमने रखा हुआ है, ठीक है। एंड सेम थिंग करके आप जो ये वाला जो यहाँ पे लेयर है उसी को पूरा पोर्शन को हमने रखा हुआ है, जैसे कि ये वाला पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे किया है, तो इसमें भी जैसे हमने सेम यहाँ पे पूरा रखा हुआ है, उसके बाद हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मोटिव को प्लेस किया, यानी ये वाला जो है इसके ऊपर हमारा लागू हो सकता है, देखिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग फ्रेमवर्क कर लेना जरूरी है ताकि आपका एक डिज़ाइन में बहुत इजीली आप फ्लावर को प्लेसमेंट कर पाए, आप एक इजीली एक डिज़ाइन में कैसे स्ट्रक्चर्ड हो सके वो आप अलग अलग से बना पाए, ठीक है। जैसे मैं बैक में हमने यहाँ पे दो अलग अलग पोर्शन को यूज़ किया था, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, उसका भी आप टेक्निक में आपको बता दो। जैसे आपको अगर फ्रेमवर्क पहले से करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला जो फ्रेमवर्क उसी को फ्रेमवर्क को जस्ट आपको उसको कॉपी करिए एंड इस तरीके से हमने यहाँ पे नया एक फ्रेमवर्क बना लिया एंड इसी के ऊपर से हम जैसे हमने यहाँ पे वो दो मोटिव को हम यहाँ पे प्लेस करते थे, जैसे यह वाला हमने यहाँ पे अलग अलग पोर्शन को रखा हुआ है ना, इसी को हम यहाँ पे घुमा के इसको रख सकते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन में एंड इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, इसको हम अलग अलग पोजीशन में प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आपका डिज़ाइन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आए एंड आप जब भी कोई भी नया दुपट्टे का डिज़ाइन क्रिएट करें तो आपके लिए बहुत ईजी हो, आप ईजिली उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आप वर्क कर पाए एंड उसके बाद आप इसको बहुत इजीली एक अच्छा लुक क्रिएट करो। जैसे कि ये वाला पूरा आप दुपट्टा बनाएंगे इसमें आपको दोनों अलग अलग पल्लू का साइड हो जाएगा, इसमें आप छोटा 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 मोटिव आप प्लेस करेंगे तो आपका वो भी एक काफ़ी अच्छा लुक आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं ज़्यादा दुपट्टे का ज़्यादा डिजाइनिंग के कंसेप्ट में बताकर नहीं दिखा सकता बिकॉज एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर, बट आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाया कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में प्लेसमेंट कर सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मोटिव को प्लेसमेंट कर सकते हैं, जैसे कि एक अलग लुक है, एक अलग लुक हमने क्रिएट किया, और भी आप डिफरेंट डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं,
तो इस तरीके से पूरा एक दुपट्टे का स्ट्रक्चर किया जाता है, पूरा एक दुपट्टे का मोटिव को अलग अलग प्लेसमेंट करके एक बहुत ब्यूटीफुल सलवार सूट का दुपट्टा आप बना सकते हैं। ओके, तो आई होप गाइस पूरा मैंने आपको कंसेप्ट समझने की कोशिश किया है, जो कि एक दुपट्टा बनाने के लिए क्या क्या स्टेप जरूरी है, कैसे आपको लेयर को असेंबलिंग करना है, कैसे आपको बॉर्डर को अलग अलग से देना है, कैसे आपको फ्लावर्स को अलग अलग टाइप का अलग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में आप प्लेस कर सकते हैं, उसमें कलर्स को कैसे मेंटेन रखना है, उसमें लासा कितना पोर्शन रखना है, उसका मेजरमेंट कैसा होता है, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने की कोशिश किया। एंड यही एक दुपट्टे का कंसेप्ट नहीं होता, बहुत सारा अलग अलग टाइप का डिफरेंट बनाया जाता है दुपट्टा। दुपट्टे में बॉक्स पल्लू दुपट्टा बनाया जाता है, उसमें आधा पल्लू में दुपट्टा बनाया जाता है, कॉर्नर दुपट्टा अलग बनाया, तो बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं दुपट्टे का। एंड दुपट्टे का जो मेजरमेंट है साइज है 28 इंच का भी दुपट्टा बना जाते हैं, 36 इंच का भी जो हाइट का है दुपट्टा बना जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज भी दुपट्टा आते हैं, बट एक वीडियो में पूरा सबको कवर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जस्ट आपको एक कंसेप्ट समझ में आया उसका हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए। इसका जो भी मोटिव मैंने यहाँ पे यूज किया सलवार सूट का या तो दुपट्टे बनाने के लिए, वो मोटिव का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करिए, सलवार सूट का डिजाइन बनाए, दुपट्टे का डिजाइन बनाए, एंड हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए, जो कि हमारा व्हाट्सएप या तो जो टेलीग्राम ग्रुप में जो ऑलरेडी मेंबर है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल है उनको रिकमेंड करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेशर और बिगिनर डिजाइनर हैं उनको हम हेल्प कर पाए, उनको हम कुछ नया डिजाइनिंग कंसेप्ट को समझा पाए। ठीक है, एंड जैसे कि आपको पता है गाइस कि हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप मेंबर लिमिटेशन है वो खत्म हो चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, इसीलिए हमने आपके लिए तंजीटेक्स डिजाइनर करके एक टेलीग्राम ग्रुप लॉन्च किया हुआ है। जस्ट आपको टेलीग्राम में जाना है, आपको तंजीटेक्स डिजाइनर्स करके जस्ट आपको नाम नोट डाउन कर लीजिए, तंजीटेक्स डिजाइनर करके आपको जस्ट सर्च आउट करना है, आप तंजीट डिजाइनर का जो ग्रुप लिंक है वो आपको मिल जाएगा, एंड वहाँ पर भी हम सेम डिस्कशन करते हैं। बहुत सारा हमारे पास ऑलरेडी जो यूट्यूब सब्सक्राइबर दोस्त है, बहुत सारे डिजाइनर है वो ऑलरेडी यहाँ पे है ग्रुप में, हम डिस्कशन करते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो उसका, कोई भी डिजाइनिंग के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उसके रिलेटेड डिस्कस करके हम उसका सोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड कोई भी वीडियो में आप हमारा यूट्यूब का कोई भी वीडियो में आपको इसका ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप लिंक यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, वहाँ पर जस्ट आपको क्लिक करना है, एंड आपको ऑलरेडी अगर आपका फोन में टेलीग्राम डाउनलोड है तो आपको ग्रुप लिंक मिल जाएगा। ओके, एंड आपका कोई भी वीडियो में अगर आपको प्रॉब्लम आए, कुछ वीडियो में कुछ पोर्शन अगर समझ में नहीं आए, नया नया आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आप कमेंट जरूर करेगा, ताकि हमें आपका फीडबैक पता चले, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, उसके साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें उसके, एंड नोटिफिकेशन बिल्कुल दबा दें, ताकि जब भी इस टाइप का लर्निंग वीडियो आए तो आपसे वो मिस ना हो जाए। सो तब तक कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव गाइस। Thanks for watching.